हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बिहार कुकिंग में। आज हम आप लोगों के लिए अरकंचन पत्ता लाए हैं, उसका सब्जी बनाकर आप लोगों को दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं, डंठल हमने तोड़ लिया है। देख सकते हैं हमारे पत्ते में बिल्कुल डंठल नहीं है। देखिए, देख सकते हैं मसाला भी तैयार कर लिए हैं। ये लहसुन है, प्याज, हरी मिर्च, ये बेसन है, ये सरसों है। हम सरसों को फूलने दे दिए थे पानी में ताकि पिसा जाए अच्छा से मिक्सी में, नहीं तो वो जल्दी नहीं पिसाने में दिक्कत होते रहता है। अब देखिए, हम अरवी का पत्ता को हम वॉश भी कर लिए हैं। बहुत आदमी अरवी के पत्तों के नामों से जानते हैं, बहुत अरकंचन के पत्ते के नाम से भी जानते हैं। तो हम अब मिक्सी जार में मसाला तैयार कर लेते हैं। देख सकते हैं आप, लहसुन, हरी मिर्च डाल दिए हैं। अब हम प्याज ले रहे हैं। प्याज मेरा बहुत था तो हम कम ही लेंगे, हमको जितना सब्जी भर सब्जी में लगेगा उतना ही लेंगे, ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। देखिए, पेस्ट भी तैयार कर लिए हैं लहसुन प्याज का, और मसाला भी हम रेडी कर चुके हैं। ये हमारा सरसों का पेस्ट है, आप देख सकते हैं। मसाला भी मेरा तैयार है। अब हम आपको बेसन, देखिए हम, ये चावल का आटा है तो हम चावल का आटा का अच्छे से पेस्ट बना कर रख चुके थे। ये बेसन है, देख सकते हैं। मेरा पूरा वीडियो आप लोग देखिए, आप लोग भी इस रेसिपी को एक बार अपने घर में बनाकर खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये लहसुन का पेस्ट है, लहसुन का पेस्ट भी हम इसमें ऐड कर लिए हैं। ये नमक है, नमक को भी हम नमक ले लिए हैं। मिर्ची लेंगे अब हम, आप देख सकते हैं ये मिर्ची पाउडर है। और ये हल्दी का पेस्ट है, देख सकते हैं। आप अपने स्वाद अनुसार मिर्ची ले, हम मसाला में मिर्ची पीस चुके हुए थे, हरी मिर्च, इसलिए हम इसमें यहाँ पे थोड़ा कम ही लेते हैं। अब इसमें पानी ऐड करेंगे, पानी डालकर बहुत ही अच्छे से इसको मिलाएंगे। देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा इसका सब्जी लगता है खाने में। इस टाइप से आप लोग अपने घर में एक बार ज़रूर बनाइए, मछली खाना बिल्कुल भूल जाइएगा। देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है। अब इसमें हम नींबू ऐड करेंगे ताकि हमको कड़वा ना लगे। ये सब्जी हल्का सा कड़वा भी लगता है, बहुत सारे ऐसे पत्ता होता कि नहीं भी लगता है, तो इसलिए हम नींबू का रस हल्का यूज किए हैं। अब देखिए, पत्तल में हम बेसन लगा रहे हैं अच्छे से, बहुत ही अच्छा लगता है इसका सब्जी खाने में। आप लोग का बहुत ही सपोर्ट का ज़रूरत है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए बिहार कुकिंग को। देख सकते हैं आप, दूसरा पत्ता भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इस पे भी हम अच्छे से बेसन लगाते हैं, देख रहे हैं ना आप लोग। देखिए बहुत ही हम अच्छे से लगा चुके हैं। आप अपने हिसाब से मोटा और पतला इसको रख सकते हैं। देखिए अब हम ये पत्तल भी डाल दिए, फट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पे आप पिठार लगाइएगा तो फिर वो ठीक हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छे से इसको हम लगा रहे हैं। आप हमारे वीडियो में बने रहिए, मेरा पूरा वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा कि हम इसमें क्या क्या चीज़ यूज किए हैं। और आप लोग का बहुत बहुत सपोर्ट का ज़रूरत है, तो आप लोग ज़रूर ही सपोर्ट कीजिए। देखिए अब इसको हम फोल्ड करके दिखाते हैं। इस पे भी हल्का हल्का सा बेसन लगा देते हैं कि ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में भी, और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितना अच्छा से ये फोल्ड हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है इस सब्जी बनाने में। एक बार ज़रूर आप अपने घर में बनाकर खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है इसका सब्जी। देखिए हम
तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम काट कर दिखाते हैं। बहुत ही आसान तरीका से ये कट जाता है, देख सकते हैं आप। देखिए मेरा पूरा वीडियो वॉच कीजिए आप लोग, देखिए कोई झंझट नहीं है इसमें। इसको बहुत ही इजी तरीका से ये कट चुका है। नहीं काटेंगे, थोड़ा सा बड़ा ही रखेंगे, आप अपने हिसाब से बड़ा और छोटा रखें। दूसरा बार भी हम उसी तरीका से करेंगे, देख सकते हैं आप। इसको भी उसी टाइप से मोड़ेंगे, देख सकते हैं कितने अच्छे से ये मोड़ चुका है। देखिए इसको बस सेम प्रोसेस से काम करना है, जैसे हम वो उसको फोल्ड किए थे बस उसी तरीका से हम इसको भी फोल्ड करेंगे अच्छे से। देख सकते हैं ऊपर भी हल्का हल्का बेसन लगा चुके हैं। देखिए हम सारा काट कर तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपके पास बेसन बच गया है तो आप इसमें भी आप लपेट कर छान सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप इसको अच्छे से फ्राई करके निकाल सकते हैं। मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, तेल भी ऐड कर लिए हैं। देखिए अब इसको हम आप ऐसे भी इसे पका सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही लपेट कर भी इसको फ्राई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। हम इसको इस टाइप से लपेट कर ही फ्राई करेंगे, देख सकते हैं आप। बहुत ही अच्छा तरीका से ये बनकर रेडी हो चुका है, बिल्कुल नहीं खुलेगा, आप देख सकते हैं। आप मेरे वीडियो में बने रहिए। देखिए वाह कितना अच्छा कलर आया है, पूरे लाल करके इसको हम निकाल लेंगे। देखिए हम सारा निकाल चुके हैं, अब दूसरा बार भी हम उसी तरीका से बनाएंगे, देख सकते हैं। बहुत ही कम तेल लगता है, आप देखिए एक ही बार हम तेल डाले हुए थे और दूसरा बार भी हम डाल चुके हैं इसमें। बहुत ही कम तेल मसाला में बनकर तैयार हो जाता है, देख सकते हैं आप। बिल्कुल ये खुलेगा नहीं, इस टाइप से बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा लगता है इसका सब्जी। आप अपने घर में एक बार ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मछली खाना तो बिल्कुल ही भूल जाइएगा, बड़े छोटे सब खाएंगे बहुत ही मज़ेदार से। देखिए अब हम थोड़ा सा और सरसों का तेल ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए। अब हम इसमें सरसों ऐड करते हैं। सरसों मेरा पक चुका है, अब इसमें हम लहसुन और प्याज का पेस्ट ऐड करते हैं, देख सकते हैं आप। लहसुन प्याज का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको हम बहुत ही अच्छे तरीका से पकाएंगे ताकि हमारा कच्चापन निकल जाए। देखिए आप मेरे वीडियो में बने रहिए, आपका बहुत ही सपोर्ट का ज़रूरत है। इधर हम ग्रेवी का भी मसाला पूरे तैयार कर चुके हैं, ये ग्रेवी में हम सेट करेंगे। देखिए मेरा मसाला बिल्कुल पक चुका है, अब ये सब भी हम डाल देते हैं, ये मसाला सब भी। आप लोग अपने घरों में एक बार इस टाइप से मसाला भूजिए और देखिए बनाकर बहुत ही अच्छा लगता है इसका सब्जी खाने में। देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा से पक रहा है। देखिए हमारा मसाला बिल्कुल पक चुका है, तेल भी छोड़ दिया है। अब इसमें हम सरसों का पेस्ट डालेंगे, चलिए इसको भी अच्छा से चलाते हैं, आपको चलाकर दिखाते हैं इसको अच्छे से। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, मसाला मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, कम ही पानी ऐड करेंगे हम, देख सकते हैं। आप चावल में खाइएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा, रोटी में खाइएगा तो थोड़ा कम पानी ऐड कीजिएगा, देख सकते हैं आप। और आपका बहुत बहुत सपोर्ट का ज़रूरत है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा ग्रेवी सेट हो चुका है, अब इसमें हम ये डालकर दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए
इसको भी हम अच्छे से चलाकर आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, देखिए। आप लोग वीडियो में बने रहिए एंड तक। देखिए हमारा सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप लोगों के लिए हम सब्जी बनाकर ले आए हैं और आप लोग टेस्ट करके बताइएगा। देखिए हम घी भी ऐड करते हैं इसमें। घी ऐड करने के बाद सब्जी और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो आप लोग टेस्ट करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा सब्जी खाने में आप लोगों को कैसा लगा। तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का बहुत 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 सपोर्ट का ज़रूरत है। बाय।